इस वीडियो में हम मेन्यू स्ट्रिप और डायलॉग बॉक्स के बारे में बात करेंगे। मेन्यू स्ट्रिप और डायलॉग बॉक्स .NET फ्रेमवर्क के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं .NET फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। कहने का मतलब ये है कि जो .NET फ्रेमवर्क है उसमें उसकी हेल्प से हम किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स की फैसिलिटी देता है जिसकी हेल्प से हम एक अच्छा सा और बहुत ही सही तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। उसी तरीके से यह हमें उसी काम के लिए यह हमें बहुत सारे टूल्स की फैसिलिटी देता है। उन्हीं टूल्स में से एक टूल होता है मेन्यू स्ट्रिप। मेन्यू स्ट्रिप का यूज होता है किसी भी तरह का मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट करने के लिए। मेन्यू स्ट्रिप का यूज हम किसी भी तरह का कोई भी मेन्यू क्रिएट करने के लिए करते हैं, और साथ में हम मेन्यू स्ट्रिप की हेल्प से सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेन्यू क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है होम और व्यू, यहाँ पर आपको फाइल, होम और व्यू तीन मेन्यू दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं मेन्यू। और इनके अंदर के ये जो ऑप्शंस होते हैं वो कहलाते हैं सब मेन्यूज। तो मेन्यू स्ट्रिप का यूज होता है मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट करने के लिए। बट मेन्यू स्ट्रिप अकेला यूज नहीं किया जाता है, मेन्यू स्ट्रिप के साथ हम डायलॉग बॉक्सेस का भी यूज करते हैं, क्योंकि मेन्यू के अंदर हम जो भी ऑप्शन बना रहे हैं वो वर्क किसकी हेल्प से करते हैं, वो डायलॉग बॉक्स की हेल्प से करते हैं। जो मेन्यू स्ट्रिप और डायलॉग बॉक्स है दोनों ही एक साथ यूज में लिए जाते हैं। दोनों का ही यूज सॉफ्टवेयर में, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट करने के लिए किया जाता है। मेन्यू स्ट्रिप जो है ये टूल हमें टूल बॉक्स में मेन्यू एंड टूल बार ग्रुप में मिलता है। और जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे फॉन्ट डायलॉग, कलर डायलॉग, ओपन डायलॉग, सेव डायलॉग, प्रिंट डायलॉग, ये सारे डायलॉग बॉक्स हमें मिलते हैं डायलॉग बॉक्स ग्रुप में। ये सभी टूल्स होते हैं जो कि हमें .NET फ्रेमवर्क के टूल बॉक्स में शो होते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इसी तरीके का एक मेन्यू तैयार करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, .NET के प्रोजेक्ट में। तो जिसके लिए हमें .NET को ओपन करना होगा। .NET को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन्यू स्ट्रिप लूंगी। मेन्यू स्ट्रिप जैसा कि मैंने बताया एक टूल है जो कि हमें टूल बॉक्स में शो होगा। तो ये रहा आपका टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स में यहाँ आपको ये दिख रहा है मेन्यू स्ट्रिप। आपको इस मेन्यू स्ट्रिप को यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपको उसके ड्रॉ कर देना है, कुछ इस तरीके से। मैंने इस मेन्यू स्ट्रिप को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ मेन्यूज तैयार कर रही हूँ। सबसे पहला मैं मेन मेन्यू बना रही हूँ, CLOCK, क्लॉक। मैंने क्या डाला, मेन मेन्यू क्लॉक। और क्लॉक का जो सब मेन्यू मैं बना रही हूँ वो मैं पहला बना रही हूँ डेट, और दूसरा सब मेन्यू बना रही हूँ मैं टाइम। तो हमने यहाँ पर एक मेन मेन्यू बनाया क्लॉक, और उस क्लॉक के अंदर दूसरा मेन्यू सब मेन्यू बनाया हमने डेट और टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा मेन्यू बना रही हूँ, दूसरे मेन्यू में मैं डाल रही हूँ कलर्स। इस मेन्यू के हेल्प से क्या होगा, हम इस वेब पेज, इस फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वो बदल पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं तीसरा मेन्यू बना रही हूँ जूम, और जूम के अंदर पहला मेन्यू मैं बना रही हूँ टू, दूसरा मेन्यू हम बना लेते हैं थ्री, चौथा हम बना लेते हैं फाइव, पांचवा हम बना लेते हैं टेन, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद मैंने मेन्यूज तो बना दिए, बट जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, मेन्यू के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास पेज भी होता है। तो यहाँ पर फॉर्म पर पेज बनाने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो सिंगल लाइन रहता है। टेक्स्ट बॉक्स की जगह पर हम यहाँ पर यूज करेंगे रिच टेक्स्ट बॉक्स। रिच टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, मेन्यू में ही मिल जाएगा आपको, सॉरी टूल बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको रिच टेक्स्ट बॉक्स। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, एक हमारे लिए पेज क्रिएट कर, पेज की तरह इंटरफेस क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का हो गया, जैसे कि एक हमारे डॉक्यूमेंट में पेज होता है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन्यूज बना दिए। मेन्यूज के बाद यहाँ पे कलर्स के अंदर मैंने कुछ नहीं बनाया है। कलर के लिए मैं यहाँ पे लूंगी कलर डायलॉग बॉक्स। तो आप नीचे आएंगे, आपको कलर डायलॉग बॉक्स कहाँ मिलेगा, डायलॉग बॉक्स ग्रुप में, ये रहा डायलॉग। यहां पर जो डायलॉग है ये अलग अलग तरीके के डायलॉग्स है, फॉन्ट डायलॉग, ओपन डायलॉग, सेव डायलॉग। तो यहां से मैं कलर डायलॉग पे क्लिक कर रही हूँ और फॉर्म पर जाकर छोड़ दे रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे फॉर्म पर नहीं दिखेगा ये कलर डायलॉग, ये कहाँ दिखेगा मुझे, यहाँ पर फॉर्म के नीचे। तो अब सबसे पहले मैं क्लॉक के अंदर जा रही हूँ टाइम पर,
कहाँ गए हम, क्लॉक के अंदर टाइम, डेट पर, डेट पर हम डबल क्लिक करेंगे। डेट पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कोड विंडो आ जाएगी। कोड विंडो में आपको लिखना है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डेट स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगेन मैं अपने फॉर्म डिजाइन पर जा रही हूं और टाइम पर डबल क्लिक करते हैं अपन। टाइम पर डबल क्लिक करने के बाद आपको यहां पे कोड लिखना है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टाइम स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं फॉर्म को रन करूंगी और डेट पर क्लिक करूंगी तो मेरे रिच टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब मेरे पेज पर डेट लिखी हुई आ जाएगी, और जैसे ही मैं टाइम पर क्लिक करूंगी टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद कलर्स पर जाते हैं, कलर पर डबल क्लिक करेंगे। कलर पर डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ कोड लिखना है, कौन सा कोड लिखना है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको कलर डायलॉग बॉक्स है, कलर क्या है, एक डायलॉग बॉक्स हमने ले रखा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कलर डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग। हमें क्या करना है, कलर डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग, जिससे क्या होगा हमारे फॉर्म पर एक कलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि हम इस डायलॉग बॉक्स में जो भी कलर हम सिलेक्ट करें और ओके बटन पे क्लिक करें तो हमारे फॉर्म का कलर वैसा ही हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और लिखनी होगी रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल्स टू कलर डायलॉग 1 डॉट कलर। हमें क्या लिखना होगा, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल्स टू कलर डायलॉग 1 डॉट कलर। इससे क्या होगा, जो कलर डायलॉग से हम जो भी कलर चूज करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो रिच टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो उस कलर का हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेन्यू पर, जूम पर। जूम के अंदर सबसे पहला हमने डाला है 2, तो हमें क्या करना है, 2 पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद इस पर कोड करना है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट जूम फैक्टर इज इक्वल्स टू 2, पहला 2 है तो हमें 2 डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 3, 3 पर डबल क्लिक करना होगा और लिखना होगा रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट जूम फैक्टर इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास 5, 5 पर डबल क्लिक करना होगा और अगेन यही कोड लिखना होगा रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट जूम फैक्टर इज इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 10, यहां पर भी यही कोड लिखना होगा रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट जूम फैक्टर इज इक्वल्स टू 10, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमारी कोडिंग होती है इसकी खत्म। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को, मतलब प्रोजेक्ट को रन करना है। रन करने के लिए डिबग, जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन कर देंगे आपकी स्क्रीन पर आपको रन विंडो शो होने लगेगी, कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको रन विंडो दिख रही है। सबसे पहले मैं क्लॉक में जा रही हूं, क्लॉक में जाके डेट पर क्लिक कर रही हूं तो मेरी स्क्रीन पर क्या आ गया, डेट। इसके बाद मैं क्लॉक में जा रही हूं, टाइम पर क्लिक कर रही हूं तो मेरी स्क्रीन पर क्या आ गया, टाइम। इसके बाद कलर पर क्लिक करा तो मेरी स्क्रीन पर कलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं चाह रही हूं यहां से कोई भी कलर में रेड ले लेती हूं और ओके करती हूं। जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा रेड कलर का। ओके, रेड हो गया। इसके बाद जूम पर गए, 2 पर क्लिक करा थोड़ा सा जूम हुआ, 3 पर क्लिक करेंगे थोड़ा और जूम होगा, 5 पर क्लिक करेंगे थोड़ा और जूम होगा, और जैसे ही हम 10 पर क्लिक करेंगे वो अच्छी तरीके से पूरा जूम हो जाएगा। अगेन मैं कलर में जा रही हूं, यहां से मैं कलर ले लेती हूं पिंक
और ओके करती हूँ तो पिंक कलर आ गया। अगेन मैं क्लॉक पर जा रही हूँ और डेट पर क्लिक कर रही हूँ तो हमारी स्क्रीन पर डेट आ गई। तो ये होता है मेन्यू स्ट्रिप और डायलॉग बॉक्स का यूज। मेन्यू स्ट्रिप का यूज होता है मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट करने के लिए। मेन्यू स्ट्रिप अकेला काम नहीं कर सकता तो मेन्यू स्ट्रिप के साथ हम डायलॉग बॉक्स का भी यूज करते हैं। आप चाहें तो प्रिंट डायलॉग, कलर डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग और सेव डायलॉग, इन सब का यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट।